Hello my creative friends, I am Prangya Rudra and welcome to my channel. Guys, जैसे कि आपको पता है summer में पानी का बहुत problem होता है और सबसे ज्यादा suffer birds करते हैं. तो summer में बोलते हैं कि birds के लिए कुछ खाना और पानी अगर रखो तो वो बहुत अच्छा होता है. तो ये summer में मैंने भी ये काम start किया है. तो चलिए देखते हैं कि मैंने उसको कैसे decorate किया है और let's start. And a quick request, if you like my video then please subscribe, share and click on the notification bell icon so that you can get all notification about my new uploads. So let's start. ये हमारा यूटिलिटी एरिया है, इसको हम डेकोरेट करेंगे बर्ड फीडर और कुछ प्लांट्स लगा के. तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए. इसके लिए एक बर्ड फीडर चाहिए, ये आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, मैंने लोकल स्टोर से किया परचेज किया था. फिर एक पॉट चाहिए पानी के रखने के लिए. फिर कुछ बर्ड हाउस चाहिए, ये मैंने पेप्सिकल स्टिक से बनाया था. और कुछ प्लांट्स चाहिए. बर्ड हाउस मैंने प्रीवियस वीडियो में DIY डाला है, वो आप चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे पहले मैंने ये बर्ड हाउस को यहाँ पे फिक्स किया है. पीछे कुछ जूट का जो रोप आता है उससे मैंने बांध दिया है ये रेड और ग्रीन कलर का बर्ड हाउस को. तो यहाँ पे मैंने दोनों बर्ड हाउस को बांध दिया है, मैंने थोड़ा ऊपर ही बांधा है. एक बार बर्ड हाउस फिक्स करने के बाद अभी चलिए हम सारे प्लांट्स को फिक्स करेंगे. मैंने यहाँ पे ये प्लांट लिया है, इसका नाम चाइनीज़ रोज़ है आई थिंक, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे कलर्स के फ्लावर्स आते हैं. मेरे पास रेड है, पिंक, वाइट एंड पिंक मिक्स है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था. तो ये प्लांट्स मैं इधर हैंग कर रही हूँ और ये वाइट पॉट में मैं लगा रही हूँ सो दैट मेरे रॉड का कलर भी वाइट है और उसके साथ ये बहुत अच्छे से जा रहा है. और यहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी के लिए मैंने ये इंडोर प्लांट एक है इसको भी लगाया है. यहाँ पे मैं इंडोर प्लांट्स लगा सकती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा 2-3 घंटे के लिए धूप आता है, फिर ज़्यादा धूप नहीं आता. देखिए ये फ्लावर कितना बढ़िया दिख रहा है. अभी नेक्स्ट ये है कि हमें बर्ड फीडर के अंदर कुछ ग्रेन्स डालने हैं. यहाँ पे मैंने चावल और बाजरी लिया है, फिर इसको मैं ऐसे थोड़े बाहर के तरफ रख रही हूँ ये बर्ड फीडर को सो दैट बर्ड्स को दिखे. और जो रेस्ट ग्रेन्स थे वो मैं नीचे ही डाल रही हूँ सो दैट जो छोटे बर्ड्स आएंगे वो नीचे से भी खा सकते हैं. अभी नेक्स्ट है कि हमें पानी भी रखना है क्योंकि समर में पानी बहुत चाहिए रहता है बर्ड्स को. ये मैंने टेराकोटा का पॉट लिया है, इसमें पानी रखने से ये बहुत ठंडा रहता है और फ्रेश भी रहता है. अभी हमारा ये यूटिलिटी एरिया डेकोरेट कर दिए हैं हमने बहुत सारा प्लांट्स, बर्ड हाउस लगा के और फूड ग्रेन्स एंड वाटर रख के अभी हमारा यूटिलिटी एरिया रेडी हो गया है. यहाँ पे मैंने कुछ ये वॉर्ली पेंटिंग किया था ये पॉट में, वो भी रख रही हूँ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है. तो ये हमारा रेडी हो गया है यूटिलिटी एरिया.